गाजीपुर किसानों का जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर स्कूल ऑन व्हील्स वाले मास्टर जी आदित्य कुमार उर्फ साइकिल गुरु, आप साइकिल देखिए, बैनर्स पोस्टर्स जो भी है सब कुछ यही है, स्कूल भी यही है, बस्ता भी इसी में है, सब कुछ यही है। तो आप भी जानने में उत्सुक होंगे कि आखिर ये कौन हैं मास्टर जी, और मास्टर जी ऐसा कैसे कर पाते हैं, मास्टर जी किसे पढ़ाते हैं, मास्टर जी पढ़ाने के बदले क्या लेते हैं, मास्टर जी की रोजी रोटी कैसे चलती है, ढेर सारे सवाल आपके मन में आएंगे। तो हमारे साथ मास्टर जी हैं, साइकिल वाले गुरु जी आदित्य कुमार जी, इनके नाम ढेर सारे अवार्ड्स हैं, ढेर सारे पुरस्कार हैं, लेकिन आपको देख के नहीं लगता होगा इसलिए कि इनकी उपलब्धियां जो हैं इनको देख के समझ में नहीं आती। शिक्षा दान जी सबसे बड़ा दान मानते जी, हैं जी, जी। तो पहले उन्हीं से समझते हैं, जानते हैं। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। आई एम आदित्य कुमार फ्रॉम फरकाबाद लखनऊ यूपी, बेटर नोन एज ऑल इंडिया साइकिल गुरु। माई फादर वॉज लेबर, ही कुड नॉट अफोर्ड माई एजुकेशन एनी हाउ। आई वर्क हार्ड एंड डिड माई BSc ऑन। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी माई सेल्फ, आई डिसाइडेड टू टीच पुअर चिल्ड्रन फ्री ऑफ कास्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी जॉब। आई सेट अप माई बाइसाइकिल एज ए मोबाइल स्कूल फॉर पुअर किड्स एंड टाट मिलियन ऑफ स्केटर्स इन सिलम। बीच में मैं रोकना चाहूँगा, मास्टर जी की इंग्लिश आपने सुन ली, आपने उन्होंने बता दिया कि उन्होंने BSc किया, उन्होंने ये बता दिया कि उनकी गरीबी की वजह से पढ़ाई आगे नहीं कर पाए, शादी भी नहीं किया आपने, घर भी नहीं बसाया, और जितने वंचित हैं सड़क के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठाया, शिक्षा दान को महादान माना, और उसके बाद साइकिल के सहारे ही घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके पास जो बच्चे आते हैं वो कहीं एक जगह रुक के पढ़ाते हैं आप, या घूम घूम के पढ़ाते हैं? जैसे मैं गांव में गया, मैंने देखा कि यहाँ ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, तो बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं और उनसे बोलते हैं कि हम पढ़ाएंगे फ्री, और मैं वहाँ पर सहयोग मिलता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, तब तक हमको पढ़े लिखे युवा जो मिलते हैं, BA BSc किए हुए या कोई समाज सेवी है, कि सर इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, आप दूसरी जगह चालू करवा दीजिए, क्योंकि अच्छा शुरू आप करते हैं, वहाँ पर कोई और पढ़ाने लगता है, फिर आप दूसरी जगह पे चले। हाँ, जैसे कई प्रोफेसर मिल गए, इंजीनियर मिल गए, या कोई समाज सेवी मिल गए, पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल ड्रेस, तो मैंने वो कहते हैं रिक्वेस्ट करते तो मैं उनको सौंप देता हूँ। इस तरीके से मैं जैसे झुग्गी झोपड़ियों में या गांव में या बस्ती में जहाँ भी जाते हैं, तो वो क्लास मेरी साइकिल देख करके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एकदम ईजी चालू हो जाता है। अच्छा, इसमें ये भी आपने लिखा है कि कुछ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, लाउड स्पीकर, स्टेज भी है बोलने के लिए, ये व्यवस्था तो मैं साइकिल पर ही रखता हूँ। और यहाँ पर मैं अभी इसलिए नहीं आया हूँ, ये 26 जनवरी के बाद में आंदोलन चलेगा, तो यहाँ हम बहुत से बच्चे हैं, तो यहाँ हम क्लास चलाएंगे, तब हम फिर ले आएंगे। अभी 26 जनवरी में शामिल होने के लिए मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लाया हूँ जिस पर कोई ऑब्जेक्शन हो। अच्छा जी, तो एक बात और सवाल तो होगा कि मास्टर जी दान तो करते हैं, मास्टर जी का अपना काम कैसे चलता है, खाना पीना? मुझे खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और मैं किसी के ऊपर बोझ बर्डन नहीं हूँ, मेरा वो ये बिस्तर इतर रहता है साथ में, और जहाँ गांव में जाते हैं तो खाना लोग खिलाते हैं और चारपाई भी दे देते हैं, जैसे कहीं बस्ती या ढाबा है तो वहाँ खाना खाते हैं, चारपाई भी दे देते हैं, खाना भी फ्री मिलता है, हमसे कोई चार्ज नहीं लेता। जहाँ गए वहीं खा लिए, वहीं रह गए। जी, खाना मिल जाओ। ये आपने इसमें लिखा है 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर आपने किया। 1,17,000 मैंने कंटिन्यू साइकिल चलाई, पूरा भारत भ्रमण किया, हर राज्य में 1,17,000 किलोमीटर किलोमीटर जी। कहाँ कहाँ गए?
मैं सभी 29 स्टेट मैंने सभी विजिट किए और एक एक दो दो महीना कहीं कहीं तीन तीन महीना मैंने क्लास लिए बच्चों। कुछ ढेर सारे रिकॉर्ड्स आदित्य की निस्वार्थ तपस्या विविध वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, कुछ उपलब्धियां भी आपके नाम हैं, क्या क्या हैं थोड़ा बताएं। 2018 में गूगल से मैं सम्मानित हुआ भारत का नंबर वन शिक्षक, पार्लियामेंट से हीरो ऑफ द नेशन अवार्ड हमें मिला है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में साइकिल वाली पाठशाला सिलेबस में चलती है वहाँ पर। क्या एक बार फिर बताइए इसे। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सिलेबस में साइकिल पाठशाला के नाम से चलती फिरती साइकिल पाठशाला सिलेबस में शामिल है। अच्छा एक बात, हाँ पहले बता लें। जी जी जी, अब आपने बीएससी किया हुआ है, शिक्षा के महत्व को जानते हैं, कभी आपने कोशिश किया कि नौकरी करूं? मुझे मैंने कभी नहीं कोशिश किया, क्योंकि अगर नौकरी करें या बिजनेस करें या कुछ करना तो पड़ेगा ना, तो मैं कर रहा हूँ। यही नौकरी, यही बिजनेस, सब कुछ यही, मेरा जीवन यही है जी। अच्छा आप जहाँ भी जाते होंगे बड़ा सम्मान मिलता होगा आपको। हाँ सम्मान मिलता है, मेरे पास फटे पुराने कपड़े होते हैं और गंदे होते हैं, पूरी व्यवस्था तो बढ़िया होती नहीं है कि अब जैसे यहीं पर आए हैं तो नहा तो पाते नहीं हैं, तो हमें मान सम्मान पूरा मिलता है, उसमें कसर नहीं है। जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी तो मान सम्मान हुआ, ये भी बहुत नहीं, मैं दरअसल मैं मेरा इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि आप जान सकें कि दुनिया में कैसे कैसे फक्कड़ लोग हैं, कैसे कैसे लोग समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही दुनिया नहीं चलती, जहाँ पर लोग इतने स्वार्थी हों वहाँ एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी आपने सुन लिया, बीएससी की पढ़ाई करने के बाद शिक्षा दान कर रहा है, उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस इतना ही है कि हम शिक्षा का दान करते रहें। और इनका हुलिया देखिए, जहां जो मिला वही खा लिए, जहां सोने की जगह मिली जी। वही सो लिया जी। अच्छा एक बात बताइए, कब से पढ़ा रहे हैं आपने? मैं वैसे 92 से 1992 से मैंने चालू किया और 95 से मैं टोटल समर्पित हूँ। अच्छा कभी कभी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा आपको जो कहीं कुछ आगे बढ़ा हो, कुछ किया हो और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या, आपको याद करते हैं, बड़े सम्मान। हाँ जज भी हैं, आईएएस पीसीएस भी हैं, क्या नहीं है, कैबिनेट मंत्री तक कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो मैंने पढ़ाए थे 20-25 साल पहले, वो युवा पॉलिटिक्स में कैबिनेट मंत्री तक बने। आज पहचानते हैं आप? हाँ पहचानते, हमारा देना लेना नहीं होता है, पहचानते, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें हमें हाथ जोड़ने पड़े या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये खुदारी है आपकी? मैं निस्वार्थ कर रहा हूँ। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे पास सवाल नहीं आपके लिए। जी जी जी, नहीं मेरे पास सवाल नहीं है इसलिए कि हम लोगों को ऐसे लोगों से सवाल पूछने की आदत होती है जो कुछ बताना नहीं चाहते। आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए, मैं जो पूछने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप अपने से कुछ बताना चाहें, लोगों किसी को संदेश देना चाहें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जीवन में त्याग भी ज़रूरी है और जो जीवन जिए वो लक्ष्य बना करके आपका जरूर मिलेगी। और आपका लक्ष्य है शिक्षा का दान? हमारा लक्ष्य है, हमारा जो भारत है, शिक्षित समाज और खुशहाल भारत बनेगा। इसके बाद मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ। वीडियो सुनील बना रहे हैं और ये गाजीपुर किसान आंदोलन की एक तस्वीर है, यहाँ पर यहाँ से अलग अलग तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक ये बनते भारत की अलग तस्वीर है। नमस्कार।